और भाइयों, मैं आ गया हूँ खेत अभी धान का ये बालिक लेने। और इससे से इस धान के कुछ चावल है उसको निकालेंगे, धान से मतलब चावल छील के कुछ अभी जो नया खा रहे हैं ना, मतलब पुराना चावल उसमें डालें। तो भाइयों, इनसे जानते हैं नवा भात नवा खाई के बारे में। पिंटू जी, तो बताओ यार, पिंटू जी नवा भात खाई कब खाते हो? ये दशहरा के दिन खाते हैं, जो आज है। तो आज ही का कार्यक्रम है, जो लोग साल में दसवीं के दिन खाते हैं वही आज। इट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ विशु। और भाइयों यार, काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो आया नहीं इस चैनल पे, तो उसके लिए सॉरी यार कि मैं गायब था यूट्यूब से और आप लोगों से बात करने में अब डिस्टेंस बना लिया था। लेकिन यार अब अपनी वीडियो जो है कंटिन्यू आएगी। और आज है दशहरा, तो यार हम लोग दशहरा के दिन ही नवा भात खाते हैं, नवा खाई बोलते हैं जिसको। और ये नवा भात जो है अक्सर गांव एरिया में ही खाया जाता है, बस्तर में भी होता है। वहाँ का जो नवा भात खाते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, पूरे छत्तीसगढ़ में खाया जाता है। और ये ज़्यादातर गोड संप्रदाय के लोग ही नवा भात खाते हैं, और ये त्यौहार जो है पितृपक्ष के बाद मनाते हैं। और अभी आपका भाई है वो जा रहा है अपना खेत, तो भाइयों इनसे जानते हैं नवा भात नवा खाई के बारे में। पिंटू जी, तो बताओ यार, पिंटू जी नवा भात खाई कब खाते हो? ये दशहरा के दिन खाते हैं, जो आज है। क्या करते हैं वैसे पिंटू जी? जैसे कि देवी देवता में कुछ बाल वगैरह धान पर चढ़ाते हैं, उसी का नया धान का रोटी वगैरह जो बनाते हैं उसी का पूजा वजा उसी में किया जाता है। भाइयों हर बार मैं ही बताता हूँ यार सारी चीज़ें कि क्या है कैसा है क्या है खास। और इस वीडियो में मैं दो लोग को लिया हूँ, पहले थे पिंटू जी जिन्होंने बताया, और अभी हैं राज जी जो बताएंगे नवाखाई के बारे में। बताइए राज जी, क्या है मतलब नवाखाई कब खाते हैं और क्यों खाते हैं और क्या क्या होता है इसमें? अब ये ऐसा है सगा, फसल नया आते हैं कि अब बोए रहते हैं अपने खेत बाड़ी हैं किसान लोग। अब जब वो फसल होता है तो सबसे पहले लुवाई वाई करने के पहले ये सोचा जाता है कि क्यों ना यहाँ अपने देव को चढ़ाया जाए, अपने इष्ट देव ये लोग को, इसलिए उसको चढ़ाते हैं और खाते हैं। और आपके यहाँ कब मना रहे थे मतलब नवाखाई कब खाते हैं? हमारे खाते हैं आज ही खाते हैं दशहरा के दिन, दसवीं। कई लोग नवमी खाते हैं, कई लोग आठ खा लेते हैं। तो भाइयों यार मैं बता दूं यार, नवाखाई जो है पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ में अलग अलग दिन खाया जाता है। कोई नवमी के दिन खाते हैं, कोई दसवीं के दिन, ग्यारहवा दिन भी खाते हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग दिन पे नवा भात खाया जाता है। असल क्या हो गया अभी? नहीं, अब हरहुन धान है वो हो गया है, जैसे 1010 है और क्या है हरहुन धान हो गया है, गरहुन धान तो अभी बचा है ना वो होने के लिए। तो इस साल तो यार आज दशहरा भी है, तो दशहरा के बारे में आप क्या क्या ख्याल है? नहीं, अब दशहरा मना रहे हो कि नहीं दशहरा? अब दशहरा अब हम तो भाई अब रावण को जलाते नहीं, अब पूजा करते हैं अब दशहरा में। हाँ, और वो इसी करते हैं हम, अब पूजा करते हैं उनके फोटो को रख आराध्य है। हाँ, आराध्य है रावण देव का, अब रावण की पूजा करते हैं तो हम रावण मनाते हैं भी दशहरा, लेकिन उसको पूजा करते हैं रावण को, जलाते नहीं। हाँ, जलाते नहीं उसको, पूजा कर रावण का पूजा करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं उनको अपना आराध्य, कुछ बताएंगे? ये मानते हैं वो ऐसा है, गौड़ लोगों का गुंडी या कोई अपने गाथा है इसमें उसका उल्लेख है रावण का है कि ये मरावी से है। अच्छा, तो भाइयों यार ये था राज जी से बातचीत हमारा, और चलते हैं यार अपना खेत। यहाँ वीडियो बनाने के लिए मैं अपने गांव की लड़के का सहारा लिया हूँ, और क्योंकि यार दूर वीर जाऊँगा तो फोकट में बेज्जती हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल से, इसलिए मैं थोड़ा सा सरका देता हूँ घर अच्छे से ताकि। और यार आज तो अच्छा है, आज तो अच्छा इधर आ थोड़ा यार थोड़ा यार, आज तो अच्छा दिखाई दे रहा है, पानी जो है एकदम क्लियर क्रिस्टल टाइप का दिख रहा है, एकदम मस्त साफ साफ। लेकिन यार कल आए थे भैया के साथ तो एकदम गंदा था यार, एकदम मतलब काला काला पड़ गया था। कुलवासरी है ना बगल में, उस वहाँ से आता है काला काला एकदम चीज, वैसा पता भी नहीं चल रहा था कितना गड्ढा है, लेकिन आज पता चल रहा है आराम से ऐसे जाऊँगा। लेकिन पर भी यार टक गया भाई, ज़्यादा गड्ढा है नहीं यार, लेकिन खेलने कूदने का मज़ा आता है। दिखा यार, ये है भाई, आज काफ़ी क्लियर है पानी।
कल आए थे तो यार एकदम काला काला था, संभल के पैर रखना पड़ेगा, फिसल गए तो दांत के बल गिरूंगा, मुंह के बल। तो भाई ये है रास्ता, काफी हरा भरा दिख रहा है यार। यहाँ खाली है क्योंकि ये नदी का पानी जो है सीधा आता है तो अपने साथ ये मिट्टी के साथ ये कंकड़ पत्थर लेके आता है, तो यहाँ का फसल तो दब गया है। देख रहे हो भाइयों, पसंद भी आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को बिल्कुल दबा लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहता है चैनल। आया ही नहीं आपको क्यों जा रहा हूँ खेत और क्या करने जा रहा हूँ। तो यार कल अपन लोग बड़े भैया और मैं आए थे खेत, अपने इष्ट देव के स्थान है उस जगह को अपन लोगों ने साफ सफाई की, अपने साथ गाय का गोबर भी लेके आए हूँ यार। साफ सफाई करने के अलावा गोबर, गाय का गोबर से ना उस जगह को लीपा जाता है भाई, पार है बोलते हैं इसको अपने छत्तीसगढ़ी में हम। तो पहुँच गए अपने खेत, ये है अपना खेत, यहाँ से यहाँ तक ये अपना बारह है, मतलब इसमें अच्छा खासा फसल होता है हर साल यहाँ। इसमें बारह होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है तो इसमें मच्छी भी मिलती है। पहले ही अपना चप्पल जो है उतार दिया है यहाँ पे, और कल आए थे बड़े भैया के साथ तो इतना साफ सफाई किए हैं। ये है अपना देव स्थान, यार भाइयों मैंने अभी लीपा लीप दिया गोबर से, और गाय के गोबर से लीपना पवित्र माना जाता है जैसे देख सकते हो यार। और कुछ टाइम बाद आएंगे बड़े भैया और मैं और मंझला भैया के साथ यहाँ पूजा करने के लिए। ठीक ठीक ठीक, मामा भी जा रहे हैं यार, देख रहे हो आज गांव में नवा भाती खा रहे हैं सब लोग, नया खाई। और भाइयों मैं आ गया हूँ खेत अभी धान का ये बालिक लेने, और इससे धान के कुछ चावल है इसको निकालेंगे, धान से मतलब चावल छील के कुछ अभी जो नया खा रहे हैं ना, मतलब पुराना चावल उसमें डालेंगे, और रोटी भी बना रहे हैं मतलब चीला रोटी उसमें भी मिलाएंगे ये, तो और भी निकाल लेते हैं। तो भाई आई थिंक इतना हो जाएगा, काफ़ी है इतना धान, तो चलते हैं यार इतना सारा लेके। धान वाला ये प्रोग्राम हो गया, चलते हैं यार पूजा करने खेत के लिए। यहाँ आ चुके हैं अपन लोग, नदियाँ पार करने पड़ रहा है भाई, और भैया लोग तो बहुत तक काफ़ी आगे चले गए, फिर से चलते हैं ये जगह से। चल पकड़ने में इसको बहुत दिक्कत हो रहा है मेरे को भाई, बहुत गर्म है, खप्पर में रखा हूँ आग, हाथ जल रहा है अभी।
ठाकुर ही रहे। ठाकुर दे तो शायद दूसरी जगह रखे कागज, जैसे एटीएम, जैसे कोलाबाड़ी या तो जो भी इसे टाइप में रखे शायद। ठकुराइन दाई है वहाँ नहीं वह है ठकुराइन है ना वो तरह तरह के है, तो जैसे कोलाबाड़ी के थे धर पर मोबाइल और यार भाइयों फाइनली अपन लोगों ने पूजा पाठ कर लिया और निकल रहे हैं घर के लिए। तो भाइयों ये था नवा खाई का एक पूजा, जिसमें हम लोग नया धान होता है उसका कुछ पार्ट्स निकालते रहते हैं, निकाल के पुराने धान में मिक्स करते हैं मतलब चावल में, और उसका खाना बनाते हैं और अपने इष्ट देवी देवता होते हैं खेत में और या कोठा बोल सकते मतलब जहाँ गाय बैल रखते हैं वहाँ, और मतलब बाड़ी में भी देते हैं और घर में भी देते हैं, मतलब होम धूप देते हैं, मतलब अपने इष्ट देवी देवता है याद करते हैं वो करते हैं। और ये था अपना नवाखाई वाला ब्लॉग। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करो। और ये भाई ने लिया हर रवि गए हम भूलन मत जाते हैं ना, वहीं से डलवा दूँ। हाँ तक गेठन लग दो ठाव भेजवा दे दो ठन ना। हाँ वही आई बात।